मित्रों, अगर आप आकाश में सिर उठा करके देखेंगे तो लाखों करोड़ों अनगिनत आपको तारे दिखाई दे सकते हैं, लेकिन चांद जो होता है वो एक ही होता है। इसी तरह से सनातन धर्म के विरोधी जो रहे हैं वो तारे गणों के समान अनेकों अनेक रहे हैं, बहुत सारे रहे हैं, युग युगांतर से आदिकाल से ही इसका उदाहरण मौजूद है, हमारे वेद शास्त्रों में मौजूद है कि दुष्ट लोग हमेशा से सनातन धर्म को मिटाने के लिए उद्धत रहते थे। और रामायण काल में भी भगवान श्री राम के समय में बताया गया है कि जब ऋषि मुनियों के यज्ञ में राक्षसों द्वारा जो उधम मचाया जाता था, विष्ठा डाल दिया जाता था, मूत्र डाल दिया जाता था, यज्ञ को नष्ट कर दिया जाता था, गाय की खोपड़ी डाल दी जाती थी, यानी कि वो हमेशा से हमारे धर्म को, सनातन धर्म को मिटाने पे रहे हैं, उतारू रहे हैं, राक्षसों द्वारा ब्राह्मणों को खा लिया जाता था। तो ये इसका उदाहरण सृष्टि काल से ही आपको देखने को मिलेगा कि हमेशा से धर्म पे अधर्म जो है हमेशा से उपद्रव करते रहा है, हालांकि धर्म से कभी भी अधर्म जीता नहीं है, इसका भी प्रमाण मौजूद है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ मुसलमानों का गुट बैठा हुआ है जिसमें वो हमारे धर्म शास्त्रों को लेकर के बैठे हुए हैं, हमारे वेदों को लेकर के बैठे हुए हैं और उसमें कुछ बदलाव करते हुए नज़र आ रहे हैं। यही बताया जा रहा है कि मुसलमान लोग जो है हमारे वेद शास्त्रों में भी परिवर्तन कर रहे हैं ताकि भविष्य में कभी भी कोई ऐसी डिबेट आए, कभी कोई ऐसी नौबत आए कहाँ जहाँ पे कोई उदाहरण देने को बात आए तो वहाँ पे लिख दिया जाए कि ये श्लोक ऐसे नहीं, ये श्लोक ऐसे था, इसका जो है अर्थ ये नहीं था, इसका अर्थ ये था। तो यानी कि हमारे पुराणों में भी अब बदलाव किया जा रहा है। लेकिन मित्रों, मैं आपसे भी बताना चाहूँगा कि जब जब राक्षसों ने, जब जब दुष्टों ने हमारे वेदों को, हमारे धर्मशास्त्रों को मिटाने की या छिड़काने करने की कोशिश की है, तब तब हमारे हिंदुस्तान में कोई ना कोई ऐसा धर्म महापुरुष जन्मे हुए हैं जिन्होंने हमारे वेदों की रक्षा की है। कि वेद हमारे जीने की कला है, वेद से ही हमारा सृष्टि है, हमारा संसार है, हमारे संसार की उत्पत्ति है। और वेद को कई बार नष्ट किया गया, पूर्व में भी अभी भी बहुत सारे लोग प्रयास करते रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे दिव्य महापुरुष हो जाते हैं जैसे हमारे जगत गुरु श्री राम भद्राचार्य जी महाराज हैं, उन्हें काफ़ी सारे वेदों और वेदांगों का अध्ययन है। तो ऐसे ही कुछ ज्ञानी महात्मा जो हुआ करते थे वो इन्हें पूरी तरह से मतलब याद कर लिया करते थे, साक्षात माता भगवती शारदा की कृपा होती थी उनके ऊपर कि वो साक्षात उन वेदों को याद कर लिया करते थे, अपने मन में बसा लिया करते थे। हालांकि अंग्रेजों द्वारा जुल्म किया गया, कई बार मुगलों द्वारा जुल्म किया गया है हमारे धर्मशास्त्रों के ऊपर, तब तब हमारे ऐसे कई दिव्य महात्मा और जगत गुरु ने अपने मन में छिपा करके उसे, यानी कि मन को कैसे चुरा लो गया, तो उन्होंने मन में यानी उसका अध्ययन करके छिपाए रखा और बाद में उसे फिर से प्रकाशित किया समय आने पे। इसी तरह से वेदों की रक्षा हो पाई है सृष्टि काल से लेकर के आज तक। आज जो कलयुग का वक्त चल रहा है मित्रों, ऐसे में हमारे बच्चे हनुमान चालीसा भी नहीं ज्ञात कर सकते हैं, और रामायण और भागवत गीता की तो बात ही छोड़ दीजिए कि कम से कम एक पारायण तो कम से कम हर रोज कर लिया करें, लेकिन नहीं, आज तो ब्राह्मण भी शून्य होते जा रहा है। आज ब्राह्मण के बच्चे हनुमान चालीसा नहीं याद रखते हैं, छोटी छोटी पुस्तकें नहीं याद हो सकती हैं, तो वेद वेदांगों का अध्ययन वो क्या खाक करेंगे, और करें भी कैसे, उन्हें तो माता पिता डाल दे रहे हैं अंग्रेजी कॉन्वेंट स्कूल में, तो उन्हें अध्ययन होगा भी कैसे। यानी कि आज वेदों का रक्षा करने वाला कोई नहीं है, सृष्टि काल से अभी तक तो रक्षा हो पाई है, लेकिन अब वेदों का रक्षा करने वाले कोई नहीं रह गए हैं। अब कुछ ही ऐसे जैसे जगत गुरु राम भद्राचार्य जी मैंने बात की, ऐसे ही कुछ ज्ञानी महात्मा रह जाएंगे, शायद एकाध रह जाएंगे, लेकिन करोड़ों लोग वो होंगे जिन्हें वेदों का ध्यान ही नहीं होगा, वेद में लिखा क्या गया है उन्हें पहचान ही नहीं होगी, जो लिखा हुआ मिल जाएगा उसी को वो मान लेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञात तो है नहीं, कुछ मालूम तो है नहीं। पहले जब बदलाव कर दिया जाता था तो लोगों द्वारा पकड़ लिया जाता था कि ये चीज़ ऐसे नहीं लिखा गया था, ये चीज़ ऐसे लिखा गया है, लेकिन अब जो वेद वेदांगों में बदलाव किया जा रहा है, आप ही सोच करके देखिए, कोई ऐसा ज्ञानी और कोई ऐसा महात्मा होगा भविष्य में, तभी तो वो पकड़ पाएगा कि ये चीज़ नहीं, यहाँ पे ये चीज़ लिखा गया था, ये श्लोक नहीं, ये श्लोक था। तो जब कोई ऐसा ज्ञानी महात्मा ही रहेगा ही नहीं, तो वो पकड़ कैसे पाएगा कि इसमें ये चीज़ नहीं लिखा गया था भाई, ये चीज़ लिखा गया था, यानी कि जो लिखा गया था वही वो मान लेंगे। और लिखा किसने है, बाद में बदलाव कर दिया जा रहे हैं, इस तरह से आप देख रहे हो जिस तरह से यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से हमारे वेदों में भी छेड़खानी करती जाती है। मान लीजिए कि इन मुगलों के द्वारा अगर सचमुच में ऐसा बदलाव किया जा रहा हो, हालांकि मैं इसका पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, इस पोस्टर का मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वास्तव में ऐसा कर दिया जा रहा हो तो कौन पकड़ पाएगा भविष्य में कि ये चीज़ नहीं लिखा गया था, ये चीज़ लिखा गया था। यानी कि हमें वेदों का अध्ययन होना आवश्यक है, हमें ज्ञान होना आवश्यक है, ताकि हमारे वेद वेदांगों में कोई छेड़खानी ना कर सके। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हमारे सनातन धर्म में ऐसा कोई रह नहीं गया है जो वेद वेदांगों की रक्षा कर सके और युग के अंत तक इसे बचाए रखे।
मैं इतना जरूर कह रहा हूँ मित्रों कि इस पोस्टर का मैं बिल्कुल भी प्रमाण नहीं दे रहा हूँ कि इस पोस्टर में जो दिखाया गया है वो सही ही हो सकता है कि एडिट वगैरह करके बनाया गया हो, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूँ कि अगर सचमुच में ऐसा किया जा रहा हो किसी भी धर्म के द्वारा, किसी भी धर्म विरोधियों के द्वारा, तो भविष्य में कौन ये बता सकेगा कि सचमुच में क्या लिखा था वहाँ पे एक्चुअली में और अभी क्या लिख दिया गया है, यानी क्या बदलाव कर दिया गया, कौन बता पाएगा। सब मिलाकर के सभी सनातनियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने ज्ञान को समझो, अपने आप को समझो, अपने वेद वेदांगों की रक्षा करने के लिए उन्हें ज्ञात करो, उनका अध्ययन करो, अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन एक अध्याय, एक पारायण, रामायण, गीता, भागवत, इसका भी अपने बच्चों को ज्ञान दो, हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र इत्यादि इन चीज़ों के बारे में प्रेरित करो, उन्हें अपने धर्म को जानने और समझने की भी कला सिखाओ। यही बस इतना कहना चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय भगवान, हर हर महादेव।